ओ हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड गेमर यूट्यूब चैनल। मैं दोस्त पास हो चुका हूँ माइंड का सर्वाइवल गेम के बहुत ही बड़े वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो में हम फिर से अपनी सर्वाइवल सीरीज खेलने वाले हैं। और जैसे कि आपको पिछली वीडियो में याद होगा, हमने अपनी एक माइंड बनाई थी और उस माइंड को मैंने पूरा कम्प्लीट कर लिया है। और आप उसका इंटरफेस देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। और मैंने इसका नाम रखा है माइंड की माइंड। मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ, और मैंने इसका एक शॉर्ट बनाया नीचे जाने का, वो किया यहाँ से कूदना। आप देख सकते हैं नीचे पानी तो है, और यहाँ पे जब मैं आया था गोल्ड मिल था मुझे, पर मेरे पास आयरन की पिकअक्स अभी मैंने बनाई नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहीं पे रख दी और मैं लेके नहीं आया था। मैंने सोचा वीडियो में तोड़ूंगा और यहाँ फंस गया। ओके, जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो मैंने काफ़ी ज़्यादा जब मैं नीचे आया था तब मेरे को मिली थी। और यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही है कि ऊपर से पहुँच। अरे नहीं, अभी नीचे गिर गए थे। अरे इसमें टाइम बहुत लगेगा, मुझे लगता है मुझे सोल सैंड लानी पड़ेगी ताकि मैं एक लिफ्ट बना सकूं। और गाइस, मैं लेके आया था यहाँ से 22 आयरन, रॉ आयरन। कि जब मैं नीचे आता हूँ तो मुझे दिखे और वहाँ पे काफ़ी सारा आयरन था, इसलिए मैं ले आया जल्दी से। और अभी हम इनको पकाने के लिए रखेंगे, और सबसे पहले हम बनाएंगे इनके डोर। और ये डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है? तो 6 इसमें रखते हैं, 6 इसमें रखते हैं, ग्लास ले लेते हैं, ये लगता है इसमें पड़ा है, 6 इसमें रख देते हैं और 4 इसमें रख देते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक क्रीपर आया था और यहाँ पे फोड़ दिया। तो आज के वीडियो में एक और काम करने वाले हैं जो कि है डोर्स लगाना, मतलब हम इस एरिया जगह, अरे कहना क्या चाहते हो, जगह को बंद करने वाले हैं ताकि मॉब्स ना आ सके। तो हम यहाँ पे ना इसको आगे की तरफ करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पहले ले लेता हूँ थोड़े ओक प्लैंक्स, क्योंकि मैंने ओक प्लैंक्स भी बनाए हैं। और देखते हैं, मैंने यहाँ पे 2 चेस्ट लगा दिए हैं। एक चेस्ट है पूरा का पूरा सामान के लिए, जो भी है हमारी पिकेक्स, और ये सब है मतलब फालतू का सामान कह सकते हैं। इस क्राफ्टिंग टेबल को हटाते हैं सबसे पहले। ओके, देख सकते हैं जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ सीधा हम अपने एरिया में पहुँच जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक डोर लगाने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी दिखेगा। तो हम पहले एक ब्लॉक पास कर देते हैं, ये थोड़ी बनानी पड़ेगी बोल। ओके, तो 2 ब्लॉक आगे कर देते हैं, 2 ब्लॉक ठीक रहेगा और शायद उसकी थोड़ी लुक भी अच्छी लगेगी। मैं ये लगा के देखता हूँ कैसी लग रही है। ओके, बुरी नहीं लग रही है। और अगर हम इसको यहाँ पे डोर लगा दें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ओके, यहाँ पे अभी क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं और डोर्स बना लेते हैं, देख लेता हूँ शायद मेरे पास डोर्स पड़े ही ना हो। ओके, मेरे पास स्पूस डोर पड़े हैं, ये मैंने पता नहीं कब बनाए होंगे, एक बार लगा के देखता हूँ कैसे लगते हैं। ओके, वैसे इतने भी बुरे नहीं लग रहे हैं, मुझे इनको थोड़ा बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल सीढ़ियों से उतर के अच्छे नहीं लगेंगे। वाले हैं यहाँ पर। ओके, और इसे भी बंद कर देते हैं। अरे वहाँ पर भी लगाना, ऊपर से भी बंद करना ही पड़ेगा। ओके, पूरे ब्लॉक है। ओके, वैसे अच्छी लग रही है एंट्रेंस, अगर हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर दें और यहाँ से ऊपर आने में अच्छा भी लगेगा। इसको पहले तो ओके हैं और बाहर से देखते हैं कैसा लग रहा है। इनको करते हैं बंद। ओके, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। जैसे हम आएंगे तो इसको खोल के हम आराम से जा सकते हैं, जो कि बढ़िया लगेगा। और मुझे एक और चीज़ बनानी थी जिसका नाम था प्रेशर प्लेट, वो शायद वुड की बनती है, पर मैं तो शायद स्टोन भी पड़ा होगा तो स्टोन की बना लेते हैं हम। स्टोन ऐसे तो नहीं पड़ा, कॉबल स्टोन पड़ा है शायद, कॉबल स्टोन। चलो ओके, वुड की बना लेते हैं, वुड की भी अच्छी लगेगी, 2 लगेंगी। ओके, यहाँ पे लगाएंगे हम इन्हें, क्योंकि बाहर लगाएंगे तो ऑब्वियसली मॉब आ जाएंगे। यहाँ लगेगा नहीं, वरना लगा सकते थे कि यहाँ से शायद खुल जाए। ओके, यहाँ से खुल जाएगा और बहुत सही लगेगा, शायद जब यहाँ से हम निकलेंगे तो वो बंद भी कर देगा। ओके, तो यहाँ पे तो हमारा एक काम तो हो चुका है और लगता है हमारा पूरा पूरा आयरन भी बन चुका है। ओके, तो सबसे पहले हम विलेजर्स के लिए बनाने वाले हैं आयरन के डोर्स ताकि ये बाहर ना निकलें और हम भी अंदर आराम से जा सकें इन्हें फूड पहुंचाने के लिए। तो बंद करते हैं और जल्दी से बना लेते हैं 3 आयरन डोर्स, जो कि 3 एक साथ ही बनते हैं, बस ये बाहर ना आ जाए।
मुझे बाहर की तरफ लगानी चाहिए शायद, क्योंकि मुझे बाहर से बाहर जाना है। ओके यहाँ बाहर से लगानी चाहिए, और मैं ओके ये गलत लग गया। ओके तो मुझे यहाँ पे बटन यूज़ करने हैं, क्योंकि उससे तो वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि शायद से तो वो बटन भी दबा नहीं सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं। ओके ये बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, मुझे कोई और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, हमें पता भी नहीं चलेगा हमें लगाना कहाँ पे है। ओके शायद कॉबलस्टोन के बनते हों। ओके कॉबलस्टोन के तो नहीं बनते हैं। बटन एक बार सर्च करके देख लेते हैं, बटन किस किस के बनते हैं। बटन एक ही बनता है, ठीक है चलो। फिर एक आइडिया मेरे पास जिसका है, मैं इधर लगा दूंगा वुड, शायद वो थोड़ी शो के लिए अच्छा भी लगेगा। कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, और देखते हैं अब अच्छे से वर्क कर भी रहा है कि नहीं। ओके ठीक से काम कर रहा है, और ये देखो कैसे भागते हुए आ रहे हैं। अब हमें यहाँ से निकलने का देखना है, इधर निकलने के लिए भी एक बटन लगानी पड़ेगा, तो दो बटन और हम बना लेते हैं, और शायद ये बटन ना दबा पाए तो ठीक रहेगा। ओके ये बटन यहीं पे लगाने पड़ेंगे हमें। ओके सब तो देखते हैं, शायद ये इसको तोड़ देना चाहिए, बटन यहाँ पे लगेगा तो ज़्यादा ठीक लगेगा। ओके ठीक चल रहे हैं ये, अरे ठीक भी लग रहा है। ओके ये काम तो हो गया, और ऊपर के भी बदलने पड़ेंगे क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं, और अभी बाहर भी नहीं आ सकते हैं तो। ओके एक काम तो हो चुका है, और हमारा एक रूम तो अच्छी तरह बन चुका है, बस हमें साइड पे भी लगाने हैं स्टोन ब्रिक्स। ओके और इसको तो बाद में बंद करेंगे। ओके और ये भी अच्छा लग रहा है हमारा, और अच्छी तरह वर्क भी कर रहा है, और अपना बंद भी हो रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस मैं सोच रहा था कि अभी तो हमने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है हमने, तो हम मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम बना दें एक खुद का फार्म, क्योंकि काफ़ी बढ़िया होगा। बस मैं अब सोच रहा हूँ मुझे ये कहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि ये जगह तो बिल्कुल सही लग रही है, पर यहाँ पे अगर मैं बाकी रूम बनाऊँगा तो वो ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। शायद मेरा फार्म यहाँ बन सकता है, उसके लिए मुझे पहले बहुत सारी शवल लानी पड़ेंगी। साइड पर लगा देता हूँ, शायद यहाँ से मुझे सीधा बनाना चाहिए, पहले मुझे सीधा कर देंगे बाद में। इसको तोड़ते हैं जल्दी से, इसमें टाइम तो लगने वाला है, और मैं नीचे के ब्लॉक्स को नहीं तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि उससे डर्ट की बर्बादी होगी। ओके यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे और डर्ट लेके आनी, ओके पड़ी है यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक लेके आते हैं। ओके हमारा एरिया तो बन चुका है बिल्कुल, और यहाँ नीचे से हमें नहीं बनाना है, नीचे से ऐसे ही रहेगा तो बढ़िया लगेगा, क्योंकि मैं साइड से उसे बंद कर दूंगा ताकि वो दिखे भी ना, और मुझे यहाँ की फेंसिंग भी करनी पड़ेगी। इसको अच्छे से लेवल कर देते हैं। ओके शायद मुझे यहाँ से लेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया, हम क्या कर सकते हैं, हम इसे यहीं से बनाएंगे, और यहाँ से ये नीचे जा सकते हैं। चलो हमने बना ही दिया तो बना ही देते हैं इसे, ऐसे कर देते हैं, हम उसका अलग एरिया बना देंगे, वहाँ पे अलग उगेगा कुछ, यहाँ पे अलग। ओके इतने एरिया में कुछ अलग उगेगा, तो इसको भी लग गया था। इसको बंद करते हैं, और इसको भी यहाँ से बंद करना ही पड़ेगा।
पे और थोड़े डर्ट लेके आता हूँ और फिर आता हूँ। मैंने डर्ट तो ले लिया है और मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया है, ठीक है। और अभी ये एरिया थोड़ा अलग गंदा लग रहा होगा, तो जब हम यहाँ पे फेंसिंग कर देंगे तो बढ़िया तो लगेगा ही। और ये पता नहीं दो बार क्लिक क्यों हो जाता है, इसको भी बंद करना ही पड़ेगा जो हमने करा है, ये हमेशा ऐसे ही होता है। और इसको क्या दिक्कत है, ओके ठीक है, वो ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे हमारा बनेगा, इसको भी लेवल करना पड़ेगा, बाद में यहाँ पे ग्रास तो होगी जाएगी। बस हमें क्या करना है, हमें बस इन्हें यहाँ से बनाना है और पूरा यहाँ से ऊपर तक कवर कर देना है, और फिर हमारी फार्मिंग पूरी शुरू होगी। और जब मैं इसे पूरा भर दूँगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी दिखेगा। और फिर बस मुझे यहाँ से इन्हें फेंसिंग करनी है, एक ब्लॉक से यहाँ से एक ब्लॉक ऊपर फेंसिंग करनी है। और यहाँ पर अभी तो ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये डर्ट से बना है, तो जहाँ पे यहाँ की ग्रास यहाँ पे आने लग गई है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे हम कर सकते हैं कोई छोटी चीज़ जैसे कि पोटैटो और कैरेट की, और यहाँ पे हम करने वाले हैं वीट की, क्योंकि एक विलेजर मुझे वीट के बदले एमलेट दे रहा है, जिसका हमारा काम काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही लग रहा है, और विलेजर सो रहे हैं, देखते हैं, ओके विलेजर सो रहे हैं, और ये विलेजर बेचारा यहाँ पे फंसा हुआ है, और ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ ऊपर ज़ॉम्बी घूम रहा है इसलिए मुझे वीडियो को जल्दी एंड करनी पड़ेगी। मैं भी तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।